नमस्कार दोस्तों, आज एक देखेंगे दक्षिणमुखी घर का नक्शा। ये है साउथ डायरेक्शन, ये है आपका दक्षिण दिशा, ये है नॉर्थ डायरेक्शन, ये है आपका ईस्ट डायरेक्शन, ये है वेस्ट डायरेक्शन। देखिए घर का लेंथ है 60 फीट और घर का वाइड है 22 फीट 6 इंच। एक 22 फीट 6 इंच बाय 60 फीट का एक दक्षिणमुखी घर का नक्शा, एक 3 BHK प्लान। ये है घर का फ्रंट साइड, घर के सामने रोड है, ये आपका बाउंड्री यहाँ है, ये घर का मेन गेट यहाँ पर है। यहाँ से आपका एंट्री होगा, ये है आपका ग्रिल गेट घर के सामने बाउंड्री में। यहाँ से आप एंट्री करेंगे तो घर के सामने ये है आपका एंट्रेंस। देखिए एंट्रेंस का साइज है 10 फीट बाई 13 फीट। ये जो वर्टिकल लेंथ ये है आपका 10 फीट और ये जो हॉरिजॉन्टल लेंथ ये है आपका 13 फीट। एंट्रेंस में स्टेयरकेस दिया गया है ऊपर जाने के लिए। यहाँ पर 2 स्टेप है, इसके बाद आप घर के अंदर जाएंगे और ये दाहिने तरफ जाएंगे तो ये है आपका स्टेयरकेस ऊपर जाने के लिए। ये है आपका एंट्री डोर घर के सामने। यहाँ पर बाउंड्री के पास यहाँ पर मेन गेट है, इसमें एक ग्रिल गेट लगेगा और यहाँ पर है आपका घर का मेन डोर यहाँ पर है डी। और यहाँ से अंदर जाएंगे तो यहाँ पर है ड्राइंग हॉल। ड्राइंग का साइज देखिए 9 फीट 6 इंच बाई 8 फीट 5 इंच। 9 फीट 6 इंच यानी ये जो वर्टिकल लेंथ है ये है आपका 9 फीट 6 इंच और ये जो हॉरिजॉन्टल लेंथ ये है आपका 8 फीट 5 इंच। ये आपका ड्राइंग हॉल है और यहाँ पर है आपका मास्टर बेडरूम। मास्टर बेडरूम देखिए ये वेस्ट डायरेक्शन और ये है आपका साउथ डायरेक्शन। साउथ वेस्ट के कॉर्नर पर ये है आपका मास्टर बेडरूम। मास्टर बेडरूम का साइज देखिए 10 फीट बाई 13 फीट का ये मास्टर बेडरूम है। 10 फीट इसका वाइड है और इसका लेंथ है 13 फीट। ये जो मास्टर बेडरूम है, मास्टर बेडरूम का अटैच टॉयलेट यहाँ पर है 5 फीट बाई 8 फीट 5 इंच। ये है मास्टर बेडरूम का अटैच टॉयलेट और यहाँ पर है आपका किचन। किचन का साइज देखिए 5 फीट 6 इंच बाई 8 फीट 5 इंच। ये आपका ईस्ट डायरेक्शन और ये है आपका साउथ डायरेक्शन। साउथ ईस्ट के ये कोने पर ये है किचन और अंदर जाएंगे तो यहाँ पर है डाइनिंग हॉल, डाइनिंग कम हॉल और इसका साइज है 15 फीट 5 इंच बाई 12 फीट। इसका लंबाई है 15 फीट 5 इंच और इसका चौड़ाई है 12 फीट 10 इंच। और यहाँ पर एक डक्ट है और यहाँ पर एक कॉमन टॉयलेट है। कॉमन टॉयलेट का साइज देखिए 5 फीट बाई 7 फीट का ये कॉमन टॉयलेट है और यहाँ पर एक आर्च है। यहाँ से अंदर घुसेंगे तो ये है देखिए बेडरूम, इसमें 2 बेडरूम है यहाँ पर, एक बेडरूम और एक बेडरूम। ये जो बेडरूम है इसका साइज है 10 फीट बाई 12 फीट, इसका वाइड है 10 फीट और इसका लेंथ है 12 फीट। ये है उसका डोर और पीछे तरफ देखिए एक ओपन स्पेस है, वेंटिलेशन के लिए ये ओपन स्पेस छोड़ा गया है और वेंटिलेशन के लिए यहाँ पर डक्ट छोड़ा गया है। और ये ओपन स्पेस का साइज देखिए 10 फीट बाई 5 फीट का ओपन स्पेस है। और यहाँ पर है आपका बेडरूम, दूसरा बेडरूम देखिए 10 फीट बाई 13 फीट का ये बेडरूम है।
इसका लेंथ है 13 फीट और इसका वाइड है 10 फीट और इसका डोर यहाँ पर है और यहाँ पर पूजा घर है। ये पूजा घर का साइज है 5 फीट 7 इंच बाई 4 फीट 5 इंच का एक छोटा सा पूजा घर भी यहाँ पर है। ये जो लेंथ है ये है 5 फीट 7 इंच और इसका वाइड है 4 फीट 5 इंच। देखिए घर में वेंटिलेशन के लिए इसमें 2 डक्ट है, यहाँ पर 1 डक्ट और यहाँ पर 1 डक्ट। ये जो बेडरूम है यहाँ पर 1 बेडरूम और यहाँ पर 1 बेडरूम। देखिए ये जो बेडरूम है इसका वेंटिलेशन के लिए यहाँ पर 1 खिड़की है। ये तो आपका ओपन स्पेस है, यहाँ से वेंटिलेशन होगा ये बेडरूम। और जो यहाँ पर 1 बेडरूम है इसका वेंटिलेशन यहाँ पर होगा, इसके लिए हम 1 खिड़की छोड़े हैं यहाँ पर। ये ओपन स्पेस है, यहाँ से वेंटिलेशन होगा। और मेंटेनेंस के लिए, ओपन स्पेस का मेंटेनेंस के लिए यहाँ पर 1 डोर भी छोड़ा गया है इधर जाने के लिए। और ये जो हॉल है, ये हॉल का वेंटिलेशन के लिए यहाँ पर 1 डक्ट है, 5 फीट बाई 5 फीट का 1 डक्ट। और यहाँ पर 1 खिड़की W, यहाँ से वेंटिलेशन होगा ये डाइनिंग कम हॉल का। और ये जो कॉमन टॉयलेट है 5 फीट बाई 7 फीट, इसका वेंटिलेशन के लिए ये डक्ट है इधर, यहाँ पर है वेंटिलेटर। और यहाँ पर जो अटैच टॉयलेट है, ये अटैच टॉयलेट का वेंटिलेशन के लिए यहाँ पर वेंटिलेशन के लिए वेंटिलेटर है डक्ट में। और ये जो ड्राइंग रूम का वेंटिलेशन, तो यहाँ पर डोर है ये खाली रहेगा, यहाँ से वेंटिलेशन होगा। ये डोर ओपन करेंगे तो ये वेंटिलेशन होगा। और किचन का वेंटिलेशन के लिए यहाँ पर 1 खिड़की दिया गया है, यहाँ से वेंटिलेशन होगा। और सामने जो बेडरूम है, मास्टर बेडरूम का वेंटिलेशन के लिए यहाँ पर खिड़की है W। और घर के सामने यहाँ पर लगभग 4 फीट का एक गैप है बाउंड्री से बिल्डिंग, यहाँ पर आप गार्डनिंग कर सकते हैं। एक 3 BHK प्लान है, देखिए यहाँ पर है मास्टर बेडरूम और दूसरा बेडरूम यहाँ पर है और तीसरा बेडरूम यहाँ पर है। एक 3 BHK प्लान है और इसमें पूजा घर भी है, इसमें 2 टॉयलेट है, 1 अटैच टॉयलेट मास्टर बेडरूम का और दूसरा 1 कॉमन टॉयलेट है। और इसमें बीच में एक डाइनिंग हॉल भी है बड़ा सा, 15 फीट 5 इंच बाई 12 फीट का एक हॉल है और एक छोटा सा ड्राइंग रूम भी है इधर। और यहाँ पर किचन है और ये है आपका एंट्रेंस। चलिए देखते हैं इसका प्लिंथ एरिया कितना है। प्लिंथ एरिया ऑफ द बिल्डिंग इज 5 फीट 10 इंच × 22 फीट 6 इंच। तो इसका प्लिंथ एरिया है 1256 का ये स्क्वायर फीट है इसका प्लिंथ एरिया। और ये प्लॉट का एरिया देखिए, प्लॉट का एरिया है 60 बाई 22 फीट 6 इंच, 60 × 22 फीट 6 इंच प्लॉट का एरिया है 1350। यह है प्लॉट एरिया। और घर का प्लिंथ एरिया है 55 फीट 10 इंच बाई 22 फीट 6 इंच, 1256 स्क्वायर फीट का ये प्लिंथ एरिया है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट रख सकते हैं। दोस्तों ये प्लान आप लोगों को कैसा लगा आप कमेंट कीजिए, अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए।